दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं और बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। वो इस बात से गुस्सा हैं कि आईपीएस विनय तिवारी जब इस केस की जांच के लिए मुंबई गए तब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि बीएमसी जो है उन्हें उठाकर क्वारंटीन कर देती है, उनके हाथों में मुजरिमों की तरह एक स्टैंप लगा देती है। उन्होंने ये कहा कि क्या बीएमसी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है क्या, ये सब क्या मजाक चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो एक आईपीएस अधिकारी को रहने के लिए कोई सरकारी मेस नहीं दिया जाता, और जब वो आईपीएस अधिकारी अपनी जान पहचान से गोरेगांव में कहीं रहने के लिए जाता है तब मुंबई पुलिस की टीम, हमारे पटना पुलिस की जो टीम सबसे पहले गई थी मुंबई, उनके पास आती है और पूछती है कि आईपीएस विनय तिवारी कहाँ पर हैं, आपके सर कहाँ हैं। तब जब वो टीम बताती है कि विनय तिवारी सर गोरेगांव में इस जगह पर है, तब बीएमसी के लोग रात में आते हैं, उन्हें जबरन क्वारंटीन करते हैं, उनके हाथ पर स्टैंप लगाकर उन्हें 14 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तब जब बिहार के डीजीपी यहां से मुंबई पुलिस को एक खत लिखते हैं कि आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ दिया जाए, उन्हें क्वारंटीन ना किया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो मुंबई पुलिस है आईपीएस विनय तिवारी को नहीं छोड़ती है, जो मुंबई बीएमसी है वो उनके साथ अभी भी वही दुर्व्यवहार किए जा रही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये भी कहा कि हम तो जिसे भेजेंगे वहाँ पर वो लोग उस अधिकारी को क्वारंटीन कर देंगे, हमारे अफसर डर के मारे मुंबई में छिप कर बैठे हैं। सच कहूँ तो अब मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उनकी मंशा साफ नहीं है और वो हमें काम नहीं करने देंगे। अब हम मुंबई में किसी भी अधिकारी को फोन करते हैं तो उनका फोन बंद आता है, तो हम कॉन्टेक्ट करें तो किसे करें। रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस पर कुछ ज्यादा ही अटूट विश्वास है, इसलिए वो अपना केस जो है बिहार से मुंबई शिफ्ट करवाना चाहती थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार पुलिस जानकारी जमा करने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन मुंबई पुलिस है कि उन्हें कोई सहयोग नहीं करती है। अगर कल को मैं भी मुंबई जाऊं इस केस के इंक्वायरी के लिए, छानबीन के लिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे भी क्वारंटीन कर दिया जाएगा, मुझे भी जबरन पकड़ कर 14 दिन के लिए कहीं बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर इस देश में एक पुलिस वाले का हाल दूसरे राज्य की पुलिस वाले कुछ इस तरह से करें, अगर उनके आपसी सहयोग ना करें, एक इंसान को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, अगर मुंबई पुलिस उसमें सहयोग नहीं करती है, तो सोचिए इस देश की आम जनता अगर इंसाफ मांगने जाएगी तो क्या उसे इंसाफ मिलेगा। हो सकता है कि उसके साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव हो जाए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने जो कहा क्या बीएमसी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, इस बात को लेकर आप सभी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।